नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी सीजीएल का टीयर वन का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन जिनको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है उनको जरूरत है अब कंप्यूटर की। और ये भी आप जानते हो कि इस पूरे भारत देश में कंप्यूटर के मामले में अपना परिवार अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर, हमें एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसका कंप्यूटर का जो पोर्शन उसे आप पढ़ाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 20 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो एक क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आने वाले हैं। अब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर कंप्यूटर आपका होने वाला है। तो इसी के लिए हम आपके पास आए हैं, और ये बताने के लिए कि कंप्यूटर सेक्टर की जो क्लासेस हैं अब हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, फुल एनर्जेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। शाम को 5 बजे से डेली लाइव क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको, डेली एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और आप क्या चाहते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास में सबसे पहली बार इतिहास रचा गया है, कह सकते हैं कि 20,000 वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल, अब तक का पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है दोस्तों, और ये हाथ से ना छूटे, क्योंकि लेकिन चूंकि इसमें बदलाव भी हुआ है और बदलाव में कंप्यूटर बढ़ा दिया गया है, तो कंप्यूटर से वंचित नहीं रहेंगे आप, टेंशन मत लीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर सेक्टर को 100 में 100 मार्क्स दिलाने का, और ज्यादा नहीं, थोड़े से क्लासेस में। टेंशन मत लो, जो भी बेसिक पोर्शन इसमें है ज्यादा हार्ड नहीं है। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब कोई भी चीज सबसे पहले लॉन्च होती है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं देता है। अगर वो हार्ड दे देगा ना तो आगे वाले बच्चे डर जाएंगे, इसलिए अब की बार क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आने वाले हैं, आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है, कब शुरू हुआ, कहां से आया, कौन लाया, परम क्या है, सुपर क्या है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि एक्चुअली में एसएससी सीजीएल में जो कंप्यूटर पूछा जाएगा उसका सिलेबस है क्या। तो चलो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि आप दुनिया में कुछ भी करते हो सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, यानी कि फंडामेंटल पढ़ना पड़ता, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ना पड़ता, बेसिक की नॉलेज लेनी पड़ती है। तो कंप्यूटर बेसिक में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज कंप्यूटर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के 2 पार्ट्स, एएलयू, सीयू क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। इनपुट आउटपुट टॉपिक जबरदस्त है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे मिलता है, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, जैसे इंसान का दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन इंसान क्या करता है, फीलिंग्स में बह जाता है, और मशीन कभी फीलिंग्स में नहीं बहती। तो ये डिटेल्स बात करने वाले, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्या रैम होता है, क्या रोम होता है, ईपी रोम क्या होता है, आपका पी रोम, स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम, बहुत सारी टॉपिक्स भी बताने वाले हैं, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट। अब विंडोज एक्सप्लोरर की बात आप जानते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर्स में विंडोज एक्सप्लोरर है, क्योंकि विंडोज 7 में ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, और 90% लोग विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी जान लो। तो कीबोर्ड शॉर्टकट, अब भाई कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, अल्ट प्लस, डेल, डिलीट, बहुत सारे शॉर्टकट कीज है, वो मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप जाकर के यूनिक ऑनलाइन ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मिल जाएगा। इसके बाद करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर। अब भाई एक बात तो आप जानते ही हो कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख करके फील कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो उन सॉफ्टवेयर की बात करने वाले, बिना अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर को पागल कहा जाता है,
ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भैया? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ईश्वरा कंप्यूटर अपना दिल किसी को नहीं देता है, जानते हो। और इंसान कहता हमारा दिल वो लेगा। तो कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वाह क्या बात है, दिल खुश कर देने वाले टॉपिक। यानी भविष्य में आपको कंप्यूटर बैठाया जाएगा, आपको ऑफिशियल नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिस की डिटेल्स एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स। लो भैया, दुनिया है, जान है, जहान है, इंटरनेट उसी को पढ़ना है। अब इंटरनेट के बिना तो वैसे रात में नींद नहीं आती है, तो नींद आने वाली है, टेंशन मत लो। अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो बढ़िया से नींद लेना, वैसे कुछ दिन नींद मत लो जब तक एग्जाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेब ब्राउजर्स की बात करेंगे, कौन कौन से सर्च इंजन्स होते हैं आपके, क्रोम क्या होता है, मोज़िला फायरफॉक्स क्या होता है, ओपेरा मिनी क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है। किसी वेब ब्राउजर को, किसी वेब पेज को जब हम लोग रिट्रीव करते हैं तो डाउनलोड होता है, जब उसे हम लोग अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ईमेल्स क्या होते हैं, अब आपको पता है कि बिना ईमेल के तो दिल भी नहीं लगता, कैसे मैं बताता हूं आपको। आपका मोबाइल का 50% वर्क जो है वो बिना ईमेल के नहीं होने वाला है, बिना ईमेल के नहीं होने वाला। यानी मोबाइल से अगर आपको मोबाइल को बंद करना है सबसे पहले ईमेल डिलीट कर दो। ईमेल बहुत अच्छा होता है, बहुत खराब होता है, इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों। तो ईमेल भी पढ़ाया जाएगा कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आपका क्या होता है, कैसे, कौन बना, रे टॉमलिंसन कौन थे, कब इसका स्टार्टअप हुआ, सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। ई बैंकिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करेंगे, जैसे ई बैंकिंग में क्या हुआ, इंटरनेट बैंकिंग की बात करने वाले, इंटरनेट मिनी बैंकिंग की बात करने वाले, इसमें हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की बात करने वाले, इसमें हम लोग और भी डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही बेसिक नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, भैया सबसे खतरनाक चीज साइबर सिक्योरिटी, कौनो आपका मोबाइल हैक कर लेगा, कौनो भी आपका जो है स्पैमिंग क्या होती है आपकी, वायरस क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, डेटा डिडलिंग क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, अपने मोबाइल की सिक्योरिटी कैसे, वीपीएन ऑन रखना पड़ता है, फायरवॉल ऑन रखना पड़ता है हमें, अपने हर 2 महीने पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको इस सिक्योरिटी में पढ़ाने वाला हूं। नेटवर्किंग क्या होती है भैया, नेटवर्किंग में मतलब जाल होता है, क्या होता है, जाल, और जाल जंजाल की बात करने वाले हम लोग इसमें। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह, जो नियमों का समूह आपका होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2 प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड में वही आता है जिसके बारे में आप जानते हो, एफटीपी, टीएफटीपी, टेलनेट, एचटीटीपी, आईपी, टीसीपी, ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये सिक्योरिटी टिप्स एंड लाइक हैकिंग वायरस बता दिया, प्रेजेंटिंग मेजर्स, ये सारे डिस्कस आपको करने वाले हैं भाई। आपका साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर क्राइम क्या होता है, कौन से एक्ट के तहत कंप्यूटर को हैक करने वाला पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, ये सारी डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। और हाँ एक बात आप जान लो, कभी भूलना मत, ये पीडीएफ भी आपको अगर लेना हो तो आप यूनिक ऑनलाइन गुरु टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, और अगर ये क्लासेस आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए आपको तो यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड करो, जहां पे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, और डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लासेस, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, मजेदार एकदम, समझ लो कि वही सब आने वाला है। और हम तो कहते हैं चाय पीते पीते 1 घंटे बीत जाएगा, कोई बात नहीं, क्लासेस में मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, और एक बात ध्यान में रखना, भूलना मत, ये जिंदगी का सवाल है, जो आपका सपना है हो सकता है साकार हो जाए इसी कंप्यूटर मात्र से ही। तो बिल्कुल आप मत भूलिएगा, ज्यादा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ये वीडियोस एंड करते हैं, और हाँ ध्यान रखना, भूलना मत एक बार इस वीडियो को शेयर करने के लिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चल जाए कि क्लासेस कब और कैसे होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।